जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ड्राइविंग स्कूल या फिर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में, कि क्या इसके एडमिशन करवाने के लिए क्या प्रोसीजर है, इसमें दाखिला कैसे लिया जाता है, इसमें कोर्सेस कितने समय के लिए आपको करना है। अगर आप बिना RTO दफ्तर में विजिट किए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि अगर आप टेस्ट से बचना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड हो चुकी हैं। तो ड्राइविंग स्कूल में आपको एडमिशन वगैरह लेना है और इसमें फ़ीस कितनी लगती है वो भी मैं बताऊंगा। प्रीवियस वीडियोस में जो वीडियोस बनाई हैं ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में, उसमें फ़ीस आपको नहीं बताई गई थी, तो अभी मैं फ़ीस बता देता हूँ वो कितनी है। तो वीडियो पे बने रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड। अगर आप बिना टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की चाह रख रहे हैं तो आपको DTC का सर्टिफिकेट लगेगा, तो यह ध्यान में वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक करें, एम करते हैं इस वीडियो के लिए हम 5000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं जल्द से आप इसको पूरा जरूर कर देंगे। लाइक का बटन जोर से दबाइए, फोड़ दीजिए लाइक का बटन, तोड़ दीजिए लाइक का बटन जैसे आपने अभी किया। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की छोटी से लेकर बड़ी अपडेट्स आपसे मिस नहीं होंगी, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। चलिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DTC बोला जाता है, तो मैं आगे जो है वो DTC ही बोलूँगा, आप समझ जाइएगा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो DTC होते हैं उसको आप ड्राइविंग स्कूल भी बोल सकते हो। तो ड्राइविंग स्कूल के लिए दोस्तों, जो बिना RTO में विजिट किए, बिना टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो नया नियम आया है उसमें दोस्तों आपको DTC का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास DTC का सर्टिफिकेट रहेगा तो फ्यूचर में आप बिना RTO में विजिट किए अपना लाइसेंस घर बैठे बनवा सकते हैं। EGST में आपको टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पता होगा कि आपका जो DTC है वो एक्री क्रिएट नहीं है कि नहीं, मान्यता प्राप्त है या नहीं। तो मान्यता प्राप्त DTC जो है वो आप RTO में अपने विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आप जिस RTO से DL बनवा, जो भी आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होता है वहाँ पर विजिट करेंगे तो उनको पता लग जाएगा वहाँ से कि वो किस DTC का सर्टिफिकेट को स्वीकार कर रहे हैं, तो वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं जाकर, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अपने DTC के बारे में जहाँ भी। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो ज़िला है, आपके जो सिटी है, उसमें मिनिमम 2 DTC जो हैं वो एक्री क्रिएट होते हैं। तो एक्री क्रिएट DTC के बारे में आप इस तरीके से जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में। तो मान्यता प्राप्त DTC से ही आप अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो ही आपका सर्टिफिकेट मान्य होता है, तभी आपको घर बैठे DTC के माध्यम से लाइसेंस बनवा सकते हैं बिना टेस्ट दिए। अगर आप किसी और DL स्कूल से DTC के माध्यम से आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेंगी। तो सबसे पहले अगर आप 2-व्हीलर 4-व्हीलर के लिए जाते हैं DTC में, तो 29 आवर्स का वहाँ पर आपको कोर्स करना पड़ेगा, और ये जो दोस्तों 4 वीक्स मिनिमम होना चाहिए, 28 डेज़ का मिनिमम तो आपका सर्टिफिकेट ड्यूरेशन होना चाहिए, जिसमें 29 आवर्स का आप वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सीखी हुई आपके सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप ट्रांस HMV कैटेगरी के लिए, हैवी व्हीकल के लिए सीखने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको 7 वीक्स का सर्टिफिकेट लगेगा। इसमें दोस्तों 40 आवर्स मिनिमम आपको वहाँ पर प्रेजेंस देनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा HMV के लिए। तो ये हो गए ड्यूरेशन की बात। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फ़ीस क्या रहेगी DTC की। तो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की जो सर्टिफिकेट प्राप्त करने की फ़ीस है वो आप सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो इसमें कोर्सेज डिवाइडेड हैं, तो कोर्सेज में दोस्तों बेसिक ड्राइविंग कोर्स जो है वो 1800 रुपये से स्टार्ट होने वाला है, 1800 ऑनवर्ड्स। तो 1800 रुपये से आप देकर फीस पेमेंट करके आप शुरुआती चीज़ें हैं ये आगे भी बढ़ सकते हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है फीस जो है, बट जो आइडियल फीस है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 1800 का फीस पेमेंट करके आप वहाँ पर बेसिक ड्राइविंग कोर्स सीख सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस ड्राइविंग कोर्स जो है वो 3500 से शुरुआत होगी, 3500 रुपये से। कॉरपोरेट कोर्स जो है वो 2500, 2500 रुपये से शुरुआत होगी, आपके कोर्स की फ़ीस पेमेंट है 2500 रुपये, इससे आगे भी हो सकती है।
कॉर्पोरेट कोर्स अगर आप करेंगे तो। उसके बाद दोस्तों लाइसेंस असिस्टेंस कोर्स जो है वो 1000 रुपये ऑनवर्ड्स, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की अभी डिमांड है। और जो बेसिक ड्राइविंग कोर्स है, दो चीज़ें, सबसे पहला तो आपको सीखना पड़ेगा लाइसेंस असिस्टेंट जो कोर्स है वो, तो 1000 रुपये उसकी फ़ीस पेमेंट है। और सबसे पहला वाला बेसिक ड्राइविंग कोर्स यानी कि ड्राइविंग स्किल जो आपकी इंप्रूव करेगी वो कोर्स, तो 1800 रुपये। ये आप दोनों में से किसी एक चीज़ों को ले सकते हैं, कोर्स को बाय कर सकते हैं। बीच में एडवांस ड्राइविंग कोर्स हैवी के लिए है, कॉर्पोरेट कोर्स जो है वो और लॉरीज वगैरह चलाने के लिए हैं इन सब चीज़ों में। तो ये दोस्तों फ़ीस है DTC की, ऑफिशियल फ़ीस बता रहा हूँ आपको। तो वीडियो में दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो फिर लाइक का बटन जोर से दबाइएगा। अगर कोई भी अभी बात करने कोई मन में डाउट हो तो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पर्सनल बातचीत, एडवाइस, सजेशन के लिए इंस्टाग्राम ऑलवेज ओपन फॉर यू ऑल, तो वहाँ पर जुड़िए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए फॉलो करके। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आपके सवालों का जवाब बहुत जल्द वहाँ पर मिल जाता है। ट्विटर के माध्यम से आपकी समस्याओं को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाते रहते हैं, वहाँ पर भी समस्या को लिखकर ट्वीट कर दीजिए, मेंशन करना मत भूलिएगा मोर्थ इंडिया रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और @technicalalok जी को जरूर मेंशन करिए अपने ट्वीट के माध्यम में। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि लेटेस्ट सर्कुलर PDFs गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी आते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के, आपको मिस ना हो, मिलते रहें समय पर। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जाकर उसको फॉलो करिए। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपके दिल के गहरों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।